गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप IAS प्रीलिम स्पेशल डेली करेंट डोज में आपका स्वागत है। ये अगस्त महीने का हमारा दूसरा डिस्कशन वीडियो है। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला टॉपिक हवाई बीजारोपण से संबंधित है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि हवाई बीजारोपण क्या है, जो हाल फिलहाल में न्यूज़ में था। फ्रेंड्स, इसे आप आसान भाषा में समझने की कोशिश कीजिए। हवाई बीजारोपण वृक्षारोपण करने की एक ऐसी तकनीक है जिसके अंतर्गत एक कैप्सूल में, जो कि एक डब्बे के आकार का होता है, उसमें मिट्टी डाली जाती है, उसमें खाद डाले जाते हैं और बीज डाला जाता है। उसके बाद इसे बांध दिया जाता है। ये दिखने में कुछ इस प्रकार के होते हैं। उसके बाद कुछ हवाई उपकरण, जैसे कि हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ड्रोन इत्यादि से इसे उन क्षेत्रों में लेकर जाया जाता है जहां मानवों का पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है, या फिर मानवों का पहुंचकर वहां वृक्षारोपण करना थोड़ी समस्या आ सकती है। हेलीकॉप्टर से जाएंगे, इन कैप्सूल को उन क्षेत्रों में गिरा देंगे, गिराएंगे, उसके बाद ये जमीन में चुभ जाएगा। जब कभी भी इसे पर्याप्त नमी मिलेगी या फिर वर्षा होगी, उसके बाद इससे बीज का अंकुरण होगा, इनमें पौधे बनेंगे और वृक्षारोपण की एक पद्धति पूरी हो जाएगी। तो इसे ही हवाई बीजारोपण कहा जाता है। आप इसे ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें कि अभी न्यूज़ में क्यों था, तो फ्रेंड्स, हरियाणा वन विभाग के द्वारा अरावली के दुर्गम क्षेत्रों में इसी पद्धति का उपयोग करके वृक्षारोपण किया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। आपसे पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का दूसरा टॉपिक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239(a)(4) के बारे में है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये किससे संबंधित है। फ्रेंड्स, यदि हम बात करें दिल्ली का, तो दिल्ली में जो सरकार का प्रावधान किया गया है, विधानमंडल का प्रावधान किया गया है, वो अनुच्छेद 239(a) के अंतर्गत किया गया है। एक तरफ मुख्यमंत्री होते हैं, जो दिल्ली सरकार के प्रमुख होते हैं, और दूसरे तरफ उपराज्यपाल होते हैं। जो उपराज्यपाल होते हैं वो दिल्ली सरकार के कैबिनेट के सलाह पर कार्य करते हैं। लेकिन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239(a)(4) क्या कहता है कि जो राज्यपाल हैं वो यदि कैबिनेट कोई सलाह देता है तो उसको वो डिनाई कर सकते हैं, नकार सकते हैं, और यदि एक बार कैबिनेट के द्वारा दिए गए सलाह को उपराज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 239(a)(4) के द्वारा के अंतर्गत यदि नकारा गया है तो उसे मानने के लिए दिल्ली सरकार बाध्य है। मतलब दिल्ली सरकार दोबारा इस बात को लेकर नहीं आ सकती, या फिर इस बात को लेकर कभी हंगामा नहीं कर सकती। ये आप याद रखेंगे। सीधा सीधा ये मतलब है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत कैबिनेट, जो दिल्ली सरकार की कैबिनेट है, उनके द्वारा दिए गए सलाह को उपराज्यपाल मानने से इनकार कर सकते हैं। आप बस यही याद रखेंगे। हमारे डिस्कशन का तीसरा टॉपिक MI क्रिप्स के बारे में है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये किससे जुड़ा हुआ है। तो यदि हम बात करें कि ये MI क्रिप्स जो है वो अटल नवाचार मिशन, यानी कि अटल इनोवेशन मिशन से जुड़ा हुआ है। अटल इनोवेशन मिशन क्या था? फ्रेंड्स, ये एक ऐसा मिशन था जिसके अंतर्गत भारत में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने, नवाचार की संस्कृति को स्थापित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। ये नीति आयोग की देखरेख में कार्य करता है, लेकिन इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसी अलग अलग इकाइयों का निर्माण किया गया है। एक तो अटल टिंकरिंग लैब, दूसरा इंक्यूबेटर क्षमता निर्माण केंद्र। ये अब क्या हुआ है कि इंक्यूबेटर क्षमता निर्माण केंद्र का एक निर्माण किया गया है, गठन किया गया है, स्थापना किया गया है, और उसमें क्या किया जाएगा कि जितने भी नए नए अच्छे प्रदर्शन करने वाले स्टार्टअप हैं, उन स्टार्टअप को यहां बुलाया जाएगा और उनको और बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। ऐसे मान के देखिए कि कोई एक स्टार्टअप है जिसने कुछ ऐसी तकनीक बनाया है जिससे भारत में जो प्रदूषित पानी है, उस प्रदूषित पानी को बहुत हद तक शुद्ध किया जा सकता है। लेकिन अगर उसमें कुछ और जोड़ा जाए, कुछ वैज्ञानिकों के सहयोग से या फिर कुछ दूसरे शोधकर्ताओं के सहयोग से, तो
वहां पर ऐसा जोड़ा जाएगा, किसके अंतर्गत जोड़ा जाएगा, इंक्यूबेटर क्षमता केंद्र के अंतर्गत। तो अभी इसी केंद्र का स्थापना किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत तो किया गया है, लेकिन बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन साथ ही वाधवानी फाउंडेशन, इन दोनों के सहयोग से इसे स्थापित किया गया है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन क्या था इसे भी आपने जान लिया है। इसी से जुड़ा हुआ जो दूसरा एक शब्द था वो अटल टिंकरिंग लैब था। इसमें क्या किया जाता है कि एक ऐसा परीक्षण केंद्र है जहां पर नए नए अन्वेषण से संबंधित, शोध से संबंधित परीक्षण किए जाते हैं, जबकि इंक्यूबेटर सेंटर जो होते हैं वहां क्या किया जाता है, वो शोध करके किसी तकनीक को ऑलरेडी बनाया जा चुका है और बनाने के बाद उसको किसी क्षेत्र में लाया जाता है और उसको बाजार में उतारने से पहले यदि कुछ बेहतर किया जा सकता है तो बेहतर करने की कोशिश की जाती है इसके माध्यम से। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का अगला टॉपिक जो है वो एक मूर्ति से संबंधित है। हुआ ये था कि एक प्रतिहार शैली में निर्मित मूर्ति जो कि राजस्थान के बरौली के घाटेश्वर मंदिर में स्थापित थी, ये भगवान शिव की मूर्ति थी, इसको चोरी किया जाता है और तस्करी के माध्यम से ये ब्रिटेन पहुंच जाता है। लेकिन पूरे विश्व में जो अवैध रूप से तस्करी किए गए या फिर जो चोरी किया गया मूर्ति है उनको आपसी लेन देन करने का प्रावधान वैश्विक लेवल में किया जा चुका है। इसीलिए अभी ब्रिटेन के द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि भारत में इस तरह के सभी गतिविधियों को देखरेख करती है उसको सौंप दिया गया है, इसलिए ये न्यूज में था। तो आप क्या ध्यान रखेंगे कि ये जो मूर्ति थी जिसका नाम जटा मुकुट तथा त्रिनेत्र है, ये एक चतुर्भुज मूर्ति है, नटराज की मूर्ति है, भगवान शिव से इसे जोड़ा जाता है। ये जो मूर्ति है वो पत्थर की बनी हुई है और इसे बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है। आप इन गुणों को याद रखेंगे। ये मूर्ति जो है वो प्रतिहार शैली में निर्मित की गई है, इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में की गई थी। तो आप इसे ध्यान रखें। यदि हम बात करें गुर्जर प्रतिहार वंश का तो इसकी स्थापना हरिश्चंद्र के द्वारा 8वीं शताब्दी में की गई थी। इसका शासनकाल 8वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक वर्तमान के गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के हिस्सों में रहता है। ये जो आप हल्के हरे रंग का जो क्षेत्र देख रहे हैं वो गुजर प्रतिहार का ही क्षेत्र था। इसके जो सबसे शक्तिशाली राजा थे वो नागभट्ट थे, नागभट्ट प्रथम। इनके शासनकाल में ही इनका साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरता है। लेकिन आप जिस त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में जानते हैं जिसमें गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट कनौज के लिए लड़ रहे होते हैं, वो गुर्जर वंश के जो चौथे शासक थे वत्सराज, उनके समय में हुआ था। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। हमारी डिस्कशन का पांचवा टॉपिक जो है वो प्रिसिवरेंस नामक एक रोवर से संबंधित है। अभी नासा के द्वारा, जो कि अमेरिका का एक अंतरिक्ष संस्थान है, उसके द्वारा इस रोवर को मंगल ग्रह में भेजा गया है। आपसे ये पूछा जाएगा कि ये क्या है, तो आप बोलेंगे कि नासा के द्वारा भेजे गए जो मंगल मिशन है उसका एक रोवर है। रोवर क्या होता है, ये देखने में एक प्रकार के गाड़ी नुमा आकार में यंत्र होता है जो जहां भेजा जाता है वहां पर जाता है और घूम घूम कर जो सैंपल लेने होते हैं उन सैंपल को लेता है। आप ये भी याद रखेंगे कि पिछले महीने होप जो कि यूएई का एक मंगल मिशन था उसे भेजा गया। पिछले महीने के बिल्कुल लास्ट में चीन के द्वारा भी एक मंगल मिशन भेजा गया जिसका नाम तियानवेन वन था। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। ये जो मिशन अभी भेजा गया है वो 18 फरवरी 2021 को पहुंचेगा। अगर हम बात करें कुछ ऐतिहासिक बातों का तो ये जो अभी भेजा गया है वो चौथा मिशन है जो नासा के द्वारा मंगल के लिए भेजा गया है। सबसे पहले 1997 में भेजा गया था फाथ फाइंडर मिशन और ये मंगल मिशन का पहला मंगल मिशन था नासा का, उसमें भी रोवर भेजा गया था।
उसके बाद 2003 में दो रोवर भेजे जाते हैं जिसमें एक स्प्रिट और दूसरा अपॉर्चुनिटी था। 2012 में तीसरा भेजा जाता है, उसका नाम था क्यूरियोसिटी। इसे भी आप ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। हमारे डिस्कशन का छठा टॉपिक स्कॉच गोल्ड अवार्ड के बारे में है। अभी यानी कि 2020 का इस अवार्ड को जीतने वाला जो संस्थान है वो जनजाति मामलों के मंत्रालय भारत सरकार को ये पुरस्कार दिया गया है। यानी कि इस पुरस्कार को जीतने वाला संस्थान जो है वो जनजाति मामलों का मंत्रालय है। क्यों दिया गया है? क्योंकि जनजाति मंत्रालय जो है वो जनजातियों के शिक्षा के क्षेत्र में छात्रवृत्ति के रूप में एक कार्यक्रम संचालित कर रहा है और वो कार्यक्रम बहुत बेहतर तरीके से कार्य कर रहा है, इसीलिए इस पुरस्कार को दिया गया है। यदि हम बात करें इस पुरस्कार का, तो फ्रेंड्स ये भारत में स्वतंत्र रूप से किसी संस्थान के द्वारा, भारत सरकार की संस्थान के द्वारा नहीं, भारत सरकार के इतर किसी संस्थान के द्वारा दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी शुरुआत 2003 में की गई थी। क्यों दिया जाता है? यदि कोई संस्थान, यदि कोई संगठन या फिर कोई व्यक्ति भारत को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रहा है तो उस संस्थान को, उस व्यक्ति को या फिर उस संगठन को यह पुरस्कार दिया जा सकता है। वो भारत को बेहतर बनाने के लिए किसी भी हिसाब से कार्य कर सकता है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र से कर सकता है, समावेशी विकास के नाम पर कर सकता है या फिर कुछ शोध कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन भारत यदि बेहतर बन रहा है तो ये पुरस्कार दिया जा सकता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अब हम कुछ MCQ देखते हैं। सबसे पहला MCQ क्या कहता है? मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं, आपको गलत कथन की पहचान करनी है। पहला कथन क्या कहता है? यह 1991 में जटिल आपात स्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए स्थापित किया गया था। दूसरा कथन कहता है यह संयुक्त राष्ट्र के आपदा राहत समन्वय के कार्यालय का उत्तराधिकारी है। फ्रेंड्स, मानवीय मामलों के समन्वय के लिए जो संयुक्त राष्ट्र कार्यालय का गठन किया गया था उसके बारे में दिया गया दोनों कथन जो है वो बिल्कुल सही है। आपको गलत पूछा गया था, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा क्योंकि कोई गलत नहीं है। अब आपको क्या याद रखना है? फ्रेंड्स, हमारे विश्व में बहुत सारे ऐसे आपातकालीन स्थितियां उत्पन्न होती रहती हैं, चाहे वो प्राकृतिक आपदा के रूप में हो या फिर महामारी के रूप में हो या फिर विश्व के किसी एक क्षेत्र में कोई आपदा आ जाए तो उस क्षेत्र में किस प्रकार से कौन सा कार्य किया जाएगा ताकि स्थिति सामान्य हो सके, उनके बीच में कैसे समन्वय स्थापित किया जा सके उस देश के बीच में या फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के बीच में, उसके लिए इस संगठन का निर्माण 1991 में किया गया था। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अभी महामारी का दौर है, यह संगठन फिर से अपने चरम पर है, अपने कार्यों के द्वारा विश्व में समन्वय स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो दवाइयों का, वैक्सीन का निर्माण करने की दिशा में हो या फिर किसी दूसरे क्षेत्र में हो। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। आप ये ध्यान रखेंगे कि ये संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन है, इसके दो मुख्यालय हैं, एक तो न्यूयॉर्क में और दूसरा जिनेवा में। इसका अंतिम जो बैठक हुआ था वो 2016 में इस्तांबुल तुर्की में हुआ था। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन में अगला जो MCQ है वो ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस से संबंधित है। आपको ये पूछ रहा है कि ये किसके साथ जुड़ा हुआ है। दिए गए ऑप्शन में भारत इजराइल, पाकिस्तान चीन, भारत चीन, अमेरिका और रूस दिया हुआ है। फ्रेंड्स, यदि हम बात करें ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस का, तो ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत भारत और इजराइल के जो शोधकर्ता हैं, जो रक्षा के क्षेत्र में शोध करते हैं, उनके बीच आपसी समन्वय के लिए शुरू किया गया था। ये इस संस्थान के अंतर्गत इजराइल की बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो रक्षा के क्षेत्र में अच्छी अच्छी तकनीकें बनाती हैं, पूरे विश्व में इनकी मान्यता है। भारत में भी DRDO बहुत बेहतर तरीके से उभर रहा है,
वैश्विक पहचान स्थापित करने में लगा हुआ है, बहुत क्षेत्रों में कर चुका है, तो इनके बीच में आपसी संवाद करने के लिए इसे बनाया गया था। अभी क्यों न्यूज में है? क्योंकि फ्रेंड्स कोविड 19 के लिए भी दोनों ही देशों में अलग अलग परीक्षण किए जा रहे हैं। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत दोनों देशों के जितने भी परीक्षण हुए हैं उनका अब आपसी समन्वय होगा, और इसके समन्वय के माध्यम से यदि कुछ बेहतर निकल पाता है, जल्दी से जल्दी वैक्सीन यदि आ पाता है तो उसके लिए कार्य किया जाएगा। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो यह हमारा आज का डिस्कशन था फ्रेंड्स, हम अपने आज के डिस्कशन को यहीं रोकते हैं। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए, और इसका डिस्कशन का जो वीडियो है वो लिंक में दिया हुआ है, आप जरूर कमेंट करके कुछ बताइए। यदि कुछ गलतियां कर रहे हैं, यदि आपको ज्यादा एमसीक्यू चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच।